भारतीय सेना आज 72वां सेना दिवस मना रही है। सेना दिवस के इस मौके पर हर कोई देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों पर गर्व महसूस कर रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आपको सेना के जवानों पर फक्र महसूस होगा। इस तस्वीर को देखने से पता चलता है कि भारतीय सुरक्षा में तैनात जवान केवल दुश्मनों पर हमला करने के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों की मदद के लिए भी हर पल तैयार रहते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना के 100 जवानों ने कैसे 4 घंटे तक बर्फ में पैदल चलकर एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और सेना के जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने इसी के साथ शमीमा और उनके बच्चे की अच्छी सेहत की कामना की। बता दें कि सेना के चिनार कॉर्प्स को मंगलवार को बताया गया कि घाटी में बर्फबारी होने के कारण एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कमर तक बर्फ गिरी होने के कारण कोई भी साधन उसे लेकर अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है। इसके बाद सेना के 100 जवान वहां पहुंचे और 4 घंटे तक भारी बर्फ में चलकर गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। शमीमा नाम की महिला को स्ट्रेचर पर अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों काफी बर्फबारी हो रही है जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी के कारण सड़क और हाईवे से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। न्यूज़ डेस्क।